असल सुबह बखैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ एजुकेशन के हवाले से कुछ जो सोशल इकनॉमिक इशूज़ हैं उनके ख़ास पर और पे प्रोग्राम में गुफगु रही है गुज्तर रोज़ भी हमने कोशिश की शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात करें पैगाम आपके मौसू हो रहे हैं पैगाम भी हैं शिकायत भी हैं और ख़ासतौर पर इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि प्रोग्राम में मौका दिया जाए बात करने का ज़रूर जी ये सिलसिला भी जारी रखेंगे इन कोशिश यही होती है शुरू दिन से कि जो हमारे देखने वाले उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए और उनकी राय को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो ये सिलसिला इन श्रा कोश करेंगे आज भी जारी रखें आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर हमारे साथ तशीफ फर्मा उनसे आपका तारफ़ भी कर आज उनसे गुतगु भी होगी इस वक्त की जो सूरत हाल है इस हवाले से और साथ साथ एजुकेशन के हवाले से ख़ास पर जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात करते हैं मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं जो बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं मैंने कल भी ये बात इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया कि उन लोगों को कंसर्न लोगों को जो काम को समझते हैं एजुकेशन के हवाले से वाकई जानते हैं महज किसी तलीम इदारे के सरबरा नहीं जो इसमें काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं आ, उनको और ख़ासतौर पर जो मामला समझते हैं उन्हें ज़्यादा मौका दिया जाता है प्रोग्राम में शामिल और इसके ऊपर गुफगू करें कि ये पूरे मुल्क में जो तलीमी निज़ाम है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ जो निजी तलीमी इदारों के मसाइल हैं पेरेंट्स के जो मसाइल हैं स्कूल के हवाले से आए दिन जो पॉलिसीज़ को नए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना उठाना पड़ा है उसके ऊपर भी हमने बड़ी तफसील से गुफगू की है तो आज भी मुख्तफ मामला गुफ्तू करेंगे सबसे पहले मौजूद मेहमान यहाँ पे तशीफ फर्माए उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफगू का आगाज़ करेंगे रफ़त सलीम कुरेशी साहब यहाँ पर तशीफ फर्मा जो कि एक सोशल वर्कर हैं पीस एम्बेसडर भी हैं उनको मैं खुशाम दे पाऊँगा बहुत शुक्रिया आपने मेरा फसाद प्रोग्राम में वक्त दिया उनके हमरा जी तशीफ रखते हैं डॉक्टर सैद इमरान हदूद साहब एजुकेशनस्ट हैं और माशाल्लाह यंग है फील्ड में काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से ख़ास पर बड़ी कोशिशें उन इलाक़ों में काम कर रहे हैं जहाँ पर इस वक्त इतनी सहूलियात नहीं है लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर जाके काम करना ये यकीन मुश्किल काम है उनको भी खुशहां दे पाऊँगा बहुत शुक्रिया आपका इमरान आपने हमें अवॉर्ड दिया डॉक्टर साहब फरमाइए क्या इस वक्त सूरत हाल है पीस एम्बेसडर आपको बनाया गया है ये भी पहला मौका है कि किसी को पीस एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे अमरीका में जो है वो आ, किसी को इतना बड़ा जो है वो अहदा दिया गया है कैसे ये सारी कोशिशें हुई कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ ये जरा बताइए बस अल्लाह पाक का करम है मुझ पर नहीं इस पाकिस्तान पे और आपको जैसे पता है कि अमन के लिए जी। पाकिस्तान जी। की काविशें हैं बहुत ज़्यादा कि खत्ते में अमन कायम हो बिल्कुल ठीक और उसी हवाले से जो है अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया सूरत हाल तो बड़ी इस वक्त ख़राब नज़र आ रही है इतना जीज़। आसान जीज़। नहीं है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो खासतौर पे सूरत हाल है और चाइना और जो भारत दो इस वक्त दो बड़े ममालिक हैं आमने सामने हैं तो सूरत हाल तो ख़ते के अंदर इस वक्त कशीदा नज़र आ बहुत ज़्यादा कशीदा है और इस टाइम आप ये समझें कि किसी वक्त भी आपको इतला आ सकती है कि चाइना ने या भारत ने एक दूसरे पर हमला कर दिया तो खतरनाक सूरत हाल है बहुत खतरनाक सूरत हाल है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है देखें तो आप ऐसा ही लगता आपने ठीक है बिल्कुल आप क्योंकि जंगें और भी मुल्कों में आपस में जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं तो बस अल्लाह पाक रहम फरमाए पाकर बचने की है क्योंकि कोरोना की वजह से जो मौशी नुकसान हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कारोबार की क्या सूरत हाल नजर आ रही है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो छोटे ममालिक थे को बड़ा नुकसान हुआ है वो जो पहले ही खास तौर पे जिसकी माशी मसाइल ठीक ना हो कोरोना की वजह से तो बड़े नुकसान हुए हैं क्या हाल बहुत, है? बहुत 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 ज्यादा जो है और इस टाइम जो है कोई अच्छी पॉलिसीज़ की जरूरत है क्योंकि पॉलिसीज अच्छी नहीं है हमारी और सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन पे था पाकिस्तान और अभी दो सौ सात पे आ गया है और बगैर करोना की यह सूरत हाल थी देखो कोरोना के बाद तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ खड़ा हुआ है पाकिस्तान तो गरीब आदमी के पास तो एक वक्त का खाना भी नामुमकिन हो गया हुँ। है हुँ। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं ऐसे ही खाने को नहीं है तो हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए क्योंकि हम इसमें नाकाम हो गए बिल्कुल उम्र साहब कोई अच्छी पॉलिसी नहीं ला नहीं दे सके अच्छा भाई कहते थे कि जी रियल एस्टेट के अंदर बड़ा काम होगा और जिस तरह की पॉलिसीज हमने बनाई हैं पचास लाख घरों की बात कर दी और फिर जिस तरह भी हमने देखा सबसे पहले रिलीफ भी रियल स्टेट और एल इंडस्ट्री को दिया गया फ़ायदा कुछ नज़र आया कुछ एक्टिविटी हुई कोई नहीं काम नहीं को, कुछ चला है रियल नहीं, 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 कोई काम नहीं और एस बी सी ए के बी सी ए ने तो और ज्यादा तबाह कर दिया है इस तरफ आप देखें बिल्डिंगें गिर रही हैं मुसलसल जी और वो ये नहीं देख रहे कि अपने दस बीस लाख के चक्कर में वो किस तरह एक गरीब आदमी जो है घर लेना लेता है कितनी मुश्किलों के बाद और कोई उनको फिर वापस रिफ़ंड भी मिलने वाला नहीं है कोई सही वाला नहीं है तो सबकी नजरें जो हैं वो आर्मी चीफ की तरफ हैं कि वो जो है इस मसले को देखें क्योंकि ठीक है एस बी सी ए के बी सी ए को जो है ना आप इधारों ने अपने हाथ में लेना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है इतनी करप्शन हो गई ये बहुत सारी शिकायत मौसू हो रही हैं शहर कराची के अंदर इस वक्त जिस तरह पैदल पै वाक़ हुए हैं अभी जगह जो बिल्डिंग गिरने की अतलात आई हैं ख़बरें आई हैं तो यक़ीन ये इदारों की नाहली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और कराची जैसे शहर के अंदर जो बड़ी तेज़ी से जिसमें आबादी में इजाफा हो रहा है वहाँ पर अगर इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया गया तो फिर नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं बिल्कुल ठीक है इमरान वदूद साहब की तरफ आएंगे इमरान ये एजुकेशन के हवाले से जैसे बात हो रही थी अभी जो कुछ सिलसिला रहा एक नई बहस का आगाज़ हो गया करोना की वजह से कि जी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसको राइज कर दिया जाए ये मसले का हल है घर बैठे अब आसानी बच्चों को जो है वह तरबियत दी जा सकती है लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो छोटे इलाके आपने बहुत सारे इलाकों में काम किया है स्कूल्स में छोटे इलाकों में ये तमाम चीज़ें बड़ा मुश्किल होगा ये तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट करना कि इंटरनेट की सर्विसेज भी दी जाएँ कोई स्मार्ट गैजेट्स भी उनके पास हो और फिर उनको इंटैक्ट भी रखा जाए कि वो टाइमली बैठें भी उसको यूज़ भी करें और एजुकेशन ले भी क्या मुमकिन हो सकता है क्योंकि नियर फ्यूचर यही चीज़ हमें नज़र आएगी पूरी दुनिया के अंदर तो काफ़ी देर से उसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन कोरोना की बाद लोगों को पूरी दुनिया में समझ में आया कि घर बैठे बहुत सारे काम जो है वो हो सकते हैं स्कूलिंग भी इसमें शामिल है आपकी इस पर क्या राय बहुत शुक्रिया जी जनाब यासर आपने हमें इन्वाट किया इस प्रोग्राम में देखें कोरोना के बाद जो डायनामिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके ठीक आप इसको यूँ समझें कि अभी पिछले दिनों जामिया कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज किया है कि ऑनलाइन क्लासेस हमें उस तरह से फायदा नहीं दे रही है जिस तरह से हमें फिजिकल क्लासेस फायदा दे थीक थीक है।, है तो आप एक तीन साल के बच्चे से एक चार साल के बच्चे से एक स्कूल गोइंग अगर मैं पर्टिकुलर स्कूल्स की बात करूं तो जो ऑनलाइन क्लासेस है इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर ये एक तसल्ली के लिए तो काफ़ी है कि हमें उससे तसली हो जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है और पढ़ाई जो है वो जारी है लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो अरबाब इकतेदार हैं उनके जहन में बस कोई एक बात डर आए और वो उससे फैसला साद फरमा देते हैं जैसा कि कोई शाही फरमान जा, जा, जारी है। कर दिया जाता है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत नहीं की जाती सात महीने तक स्कूल बंद रहा और तालीम ऐसा लगता है किसी का कंसर्न ही नहीं है तमाम सेगमेंट्स के हवाले से बात हुई है सिवाय तालीम के सबसे पहले छब्बीस फरवरी को तालीमी इदारे बंद किए गए और सबसे आखिर में वाला खोले गए तो इससे पता चलता है कि देखें एक, एक बड़ा सिंपल सा कुलिया है कि एक हमारा सर्किल ऑफ कंसर्न होता है जिसे हम दायरा फिक्र कहते हैं एक हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसे हम दायरा अख्तियार बीइंग एजुकेशनिस्ट बीइंग मेडिकल ग्रेजुएट दायरे फिक्र है जो मेरी सोच है वो बहुत है मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क में बिजली का निज़ाम उसकी तहसील का निज़ाम भी ठीक हो मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की सड़कें भी ठीक हो पानी का निज़ाम आपाशी का निज़ाम ठीक हो निकासी का निज़ाम ठीक हो तालीम की सूरत हाल बेहतर हो सेहत की सूरत हाल बेहतर हो ये मेरा दायरा फिक्र है ठीक है लेकिन ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है मेरा दायरा इख्तियार एजुकेशन है मेरा दायरा इख्तियार सेहत है तो कंसर्न तो मेरा बहुत सारे सेगमेंट्स पे लेकिन ये मेरा दायरा असर है जहाँ पे मैं इंफ्लुशियल हूँ जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ तो इसी तरह से जो तालीमी इदारों के सर जो यानी कि गवर्नमेंटी लेवल्स पर जो तालीमी मामला के सरबरा हैं उनका ताल्लुक तालीम से अनफॉर्चुनेटली नहीं, नहीं रहा है तो ये एक बड़ा आ, आ, बड़ी वजह बनी है जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिक, फिजिकल एजुकेशन का एक बड़ा गैप पैदा हुआ जो दुनिया के अमीर कबीर लोग हैं जो अपने घर में अपने बच्चे के लिए दस टीचर रखकर उन्हें पढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल ही भेजते हैं चूंकि तालीम नाम है एटमोसफेयर का माहौल का बच्चा उस माहौल में सीखता है किताब से नहीं सीखता अच्छा मेरी अपनी राय भी यही है न किस राय है लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो तालीम दर्स का जाकर सीखने से मिल मिल सकती है वो घर बैठ के नहीं आ सकती वरना अगर ऐसा होता तो जितने भी बड़ी दुनिया ने तारीख में जितने भी हमने बड़े बड़े नाम देखे हैं किसी ने भी घर पे बैठ के या अपने इलाके या किसी एक महदूद जगह पर जो है वो इल्म हासिल नहीं किया एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से दूसरे मुल्क और फिर बड़े आजम सफ़र किया सीखने की जस्तजू उनको लेकर गई है जिसकी वजह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला तो ये बात यहाँ तक तो सही है लेकिन फिर भी अब क्योंकि आने वाला वक्त बड़ी तेज़ी से क्योंकि तरक्की हो रही है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि नित नई गैजट्स और नए आल जो है वह हो रहा है यकीन सीखने का अमल अब आसान हो गया है पहले के मुकाबले में तो इसका फ़ायदा तो हमें संभाव उठाना है लेकिन अब मसला वही है कि अब एक या तो एक आपके यूनिफाइड एक पॉलिसी हो जो सबके लिए एक जैसी हो तब तो फिर वो इफेक्टिव हो सकती है लेकिन अब यहाँ पर हो ये राय कि एक टॉप टेयर में स्कूल आता है मैं हमेशा ये बात कहता हूँ फिर एक सेकेंड ईयर में एक थर्ड ईयर में मुख्तलिफ़ बन गई हैं तो ये बड़ा मुश्किल है जो निचले टेयर में जो स्कूल आते हैं उसमें बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए उनके लिए तमाम रिसोर्स नहीं हैं जो टॉप टेयर में स्कूल आते हैं और उनका तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है तो कैसे इसके अंदर एक बैलेंस लाया जा सकता है तोज़ुन कैसे ला सकते हैं ये ज़रा समझाइए और एक चीज़ और इसमें शामिल कर लें कि आपके ये समझ लीजिए

एक जो तबकाती फ़र्क है कि एक जो अमीर के घर आने से ताल्लुक रखने वाला बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा पेम्पर किया जाता है उसको बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है जहाँ पे हज़ारों में कुछ स्कूलों में लाखों तक में फ़ीस मौजूद हैं उसको ट्यूशनस भी दिए जाते हैं और एक गरीब का बच्चा जो टार्ट के स्कूलों में पढ़ता है तो ये जो एक तबकाती निज़ाम की खलीज है ये वसी होती जा रही है मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी ऐलान किया है उसकी बड़ा अप्रिशिएट भी करूँगा मैं उसे जो यकसा ताली निसब राइज किया जा रहा है मुल्क में और इससे बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्त हैं हमें कि अगर तो ये राइज कर दिया जाए देखें इस तरह से आप एक से दो फ़ीसद तबका मुल्क की बागदौड़ संभालने के काबिल होता है और अंठानवे फीसद तबका मुल्क की बागदौड़ संभालने के काबिल नहीं, नहीं हो सकता आप यह क्या अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी आबादी के एक लाख लोग काम करें और वो बाईस करोड़ लोगों को फीड कर पाए यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होगा अगर हमारा तालीम निज़ाम बेहतर होता है हम अपने निचले तबके को उठाकर ऊपर लेकर आते हैं और वो हमारे मेन स्ट्रीम में आता है वो इकोनॉमिस्ट बनते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं लॉयर्स इंजीनियर्स बनते हैं और वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं बजाय इसके कि वो मुमलिकत के ऊपर बोझ बने वो मुमलिकत का सहारा बन सकते हैं उसी है। वक्त बन सकते हैं जब हम उन्हें अच्छी तालीम देंगे जो आपने इससे पहले शुरू में बात की कि टेक्नोलॉजी और इसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं देखिए आजकल टेक्नोलॉजी दस साल पहले तो बहुत महंगी थी लेकिन आजकल जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है वो बहुत सस्ती है स्मार्टफोन का जमाना है कम्प्यूटर्स का जमाना है और तमाम गैजेट्स तमाम एप्स लर्निंग एप्स जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल हैं और इंटरनेट फैसलिटीज़ भी दिन बदिन सस्ती होती जा रही हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस कदर मुश्किल नहीं है हाँ स्किल्ड लोगों की थोड़ी सी कमी है और वो उसी वक्त बेहतर हो जाएगा जब हम अपने निचले तबके को भी ऊपर लाएंगे और निचले तबके को भी टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी बेहतर होंगी बिल्कुल ठीक है अच्छा अब अब सवाल यही है कि एक आपका जो कन्वेंशनल सिस्टम है तालीम का इसको रिप्लेस करने की बड़ी बात की गई कोशिश की गई ये एक निसाब जो इस वक्त राइज है ये गुज्त पाँच या छः दहाइयों से यहाँ पर राइज है और ये बड़ी हैरान कन बात है कि पूरी दुनिया में प्रोग्रेस का रेशो ये है कि आप इसको आसान करके समझ लीजिए कि हर साल कोर्स के अंदर तब्दीली होती है और उसको अपग्रेड किया जाता है यानी कि एक कोर्स जो आज एक साल बच्चे ने पढ़ा है वो अगले साल जो दूसरा बच्चा उसकी क्लास में आएगा उसको वो निसाब नहीं पढ़ाया जाएगा उसमें यकीनन बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी होंगी लेकिन क्या कीजिए कि आपके यहाँ जैसा भी आपने खुद तस्करा किया कि कोरोना में जो सबसे पहले चीज़ जो बंद की गई वो ताली इदारे थे और जिनको खोला गया सबसे आखिर में वो ताली इदारे तो इससे आपकी तरजीहत का पता चल जाता है मामला कैसे तय किया जाए अब ये जो एक सबसे बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि जो तली निज़ाम और ये जो निसाब का जो का सिलसिला है बेहतर कैसे बनाया जा सकता है अब तो इसका वक्त आ गया कि इसको अपड्रेड किया जाए दुनिया इस चीज़ को समझती है आप लोग लोग यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले पॉलिसी मेकर्स की बात कर के जनाब यासिर एक चीज है जिसे हम कहते हैं आई क्यू जिसके ऊपर तालीमी निजाम को आज से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की पांच छह दिहाइयों पहले डिजाइन किया गया जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेरी मैं आपको बताऊं कि 1980s में आज से करीबन 40 साल पहले ये जो है, ये हो चुका है। ये एक हिस्से के तौर पर तो मौजूद नहीं इंटेलिजेंस क्वेरी तो दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा आइंस्टाइन का था करीबन मतलब आपकी जिसमानी उम्र और जहनी उमर का तकबिल है इंटेलिजेंस क्वेरी आई तो आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वन हंड्रेड थर्टी फाइव उसका आई क्यू था उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर एक हैं जो एजुकेशन okay. के ऊपर जिन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स के अंदर ज़ाविये हैं इंटेलिजेंट होने के ठीक उसका सोशल जाविया भी hmm. है चीक. उसका कम्युनिकेशन का जाविया भी है yeah, सही. उसका आर्ट का जाविया भी है hmm. बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिस तरह से आप हैं बहुत अच्छे hmm. बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं आ, तो जब भी आप आ, एंकर हैं जी, जी और इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा फिक्र करते हैं बहुत हुँ. से लोग अच्छा है जो गायकी में मौसी में बहुत बेहतर अच्छा, है तो इसके हैं। नौ हिस्से हैं इंटेलिजेंट होने के जी. हम एक हिस्से की बुनियाद पर किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है तो हमारे तालीमी निजाम को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की जानवी शिफ्ट होना पड़ेगा मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये नौ की नौ इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती, होती है थोड़ी बहुत मौजूद होती है और इनमें से कोई एक चीज ऐसी होती है जो उसके उन तमाम के ऊपर हावी लग जाती है मिसाल तौर पर मेरे पास कोई रनर आए कि मैं एथलीट हूँ और मैं उससे कहूँ कि नहीं तुम मुझे गाना सुनाओ फिर मैं तुम्हें अच्छा इंटेलिजेंट मानूँ नहीं वो एथलीट है वो रनिंग अच्छा कर सकता है वो क्रिकेट अच्छी खेल सकता है, है। फुटबॉल खेल सकता है लेकिन वो मौसी में हो सकता है अच्छा ना हो वो केमिस्ट्री में, में हो सकता है अच्छा ना हो तो ये हमारा जो ताली निज़ाम चालीस साल पहले का अब तक चला आ रहा है अनफॉर्चुनेटली हमें उसको बदलने की जरूरत है और जो एडवांस मेथडोलॉजीज हैं टीचिंग की और जो टीचिंग में नई चीज़ें दे आई हैं हमें उसको अपनाना पड़ेगा एज अ नेशन भी ठीक है अच्छा अब आपके यहाँ दो डिवीज़न इसमें भी हो चुके हैं और क्या कहें कि इसको तो बहुत पहले ठीक हो जाना चाहिए ताकि एक आपका सरकारी तालीमी निज़ाम और एक जो निजी शोबे के पास आता है अब ये एक बड़ी बहस जो है वो तूल पकड़ती जा रही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन तमाम मामला को जो है वो लेकर चले और किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर बेहतरी लानी है तो जो तालीम की जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत अपने पास रखती है लेकिन यहाँ पर निजी शोबे ने इसका जो काम है वो अपने सर लिया हुआ है और यकीन फिर निजी शोबे से फिर जो भी शख्स इसमें आता है उसके कुछ ना कुछ मफदार होते हैं जिसको हम बिज़नेस कहते हैं कि किसी ना किसी तरह बिज़नेस की शक्ल में इसको लिया जाता है और फिर ये भी हम समझते हैं कि जो चीज़ बिजनेस के तौर पे ली जाती है उसमें फिर नफ़ा और नुकसान का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यानी कि इस चीज़ को ज़्यादा तरजीद दी जाती है कि उसमें नुकसान का जो मार्जिन हो वह कम हो और नफ़ा ज़्यादा हो जब यहाँ पर यह चीज़ शामिल हो जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर जो तलीम जिस तरह का मेयार हम एक्सपेक्ट करते हैं

नाज़ेबा सा लवजी मैं इसको कहूंगा कि उसके साथ जोड़ दिया दे गया, दे गया है कि ये स्कूल माफिया है ये देखें आप यकुमबिश कलम या अपने अल्फाज के एक चुनाव से आप तमाम तबके को माफिया नहीं कह सकते आप पूरे तबके को माफिया नहीं कह सकते हाँ आप आपके अंदर अगर सलाहियत है और आपके अंदर गर्ट्स हैं और आपके अंदर मतलब इतनी अखलाक जरूरत है तो आप नाम लेकर बात कर कि फला स्कूल माफिया ठीक है, है। फला तालीमी इदारे माफिया है। लेकिन आप तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों को माफिया नहीं कह सकते मैं आपके सामने एक एक मसले का हल रख देता हूँ आज आप अहबाब इकदार से कहें कि पाकिस्तान में या कराची में मौजूद तमाम निजी तालीमी इदारों को खत्म कर दें हुँ। क्या हाल रह जाएगा हमारी तालीम का बिल्कुल कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे कौन सा इदारा है सरकार का जो हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है यकीन कोई इन मौजूद नहीं है और वो तमाम लोग जो निजी तालीमी इदारों के खिलाफ बात करते हैं उनसे अगर निजी महफिलों में पूछ लिया जाए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं तो वो उनका जवाब भी यही होगा कि हमारे बच्चे किसी निजी तालीमी इदारे ही में पढ़ते हैं तो जनाब आप इस बात को माफिया से हटकर सोचें और तस्लीम करें कि हमारी मुल्क की तालीम का बहुत बड़ा बेड़ा इन निजी तालीमी इदारों ही ने उठाया है और अगर ये पिछले पाकिस्तान की तारीख को पच्चीस साल पीछे ले जाए निजी तालीमी इदारों को निकाल दें और तारीख दोबारा मरतब कर लें बिल्कुल ठीक तो जितने भी आपके यंग साइंटिस्ट हैं जो उमर सैफ आए हैं या और, और जो भी आप हुँ। इसकी मिसालें ले लें वो तमाम इनमें इन से निकल जाएंगे तो आप इनको एक तो माफिया नहीं कह सकते ये तालीम देने वाले लोग हैं की मीरा से हम नबियों के वारिस हैं ये एक मुकदस पेशा है जिससे हम जुड़े हैं हाँ ये जरूर हो सकता है कि हम मिनसुल माशरा तनजली का शिकार है हमारे माशरे में तो इसी माशरे से निकल के कोई उस्ताद बनता है कोई वकील बनता है कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई सियासतदान बनता है तो इसी माशरे से निकल के बनने तो कोई सियासतदान भी ठीक नहीं है कोई इंजीनियर भी ठीक नहीं है कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं है कोई वकील भी ठीक नहीं है तो बिल्कुल इसी तरह चंद उद बात भी ठीक ठीक नहीं नहीं है, है, लेकिन तब का आप इसको गलत नहीं कह सकते। है, बहुत खूब जी। इसके ऊपर अभी के हवाले से और साथ, साथ, साथ फरमाए उनसे भी कुछ बातें हमने छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा ब्रेक से जब वापस आएंगे उसके बाद ये गुफगू जारी रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तू का सिलसिला जारी था बात हो रही थी तालीमी निज़ाम के हवाले से हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है कि वो तालीम की जो सहूलत है वो मुहैया करे एक आम पाकिस्तानी को एक आम शहरी को जो उसका पैदाइशी हक हाँ है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर हुकूमत पीने का साफ पानी ना कर सके लोगों को और जो बुनियादी जो दीगर सहूलियात हैं ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अगर मुहैया करने में नाकाम हो जाए तो फिर कैसे उनसे उम्मीद रखी जा सकती है रिफत सलीम कुरैशी साहब तशी फरमाए रिफत साहब फरमाइए जहाँ पर हुकूमत पानी लोगों को पीने का साफ ना दे सके सत्तर बहत्तर सालों के अंदर अभी एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिसको दुनिया न जाने कितने सालों पहले सदियों पहले पीछे छोड़ आई आज भी हम वहीं खड़े हैं कि पीने का साफ पानी नहीं है जब पीने का पानी मुहैया नहीं होगा लोगों को तो फिर क्या तालीम के हवाले से बात करें क्या पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात करें क्या तरजीहत रहती हैं हुकूमत की आपको क्या समझ में आता है देखें बातें तो ये लोग कब से कर रहे हैं मगर अमल की कोई बात अमली नज़र ही नहीं आती है, ना? सही है. मगर मैं ये कहूँगा फिर वही बात आ जाती है असल में बात यह है कि बहत्तर सालों से तिहत्तर सालों से इस मुल्क को जो चला रहे हैं जो सिस्टम थोड़ा बहुत चल भी रहा है वो अफवाज पाकिस्तान है वह खुल के बात करता हूँ तो अब उन्हें चाहिए कि पॉलिसी दे दें वो कि ये निजाम एक हो जाए ठीक है क्योंकि इसको करना पड़ेगा ठीक तो ये तबाही की तरफ जा रहा है हुँ, हुँ। मेरे दोस्त ने जैसे कहा कि आप नाम लेके बात करें क्योंकि ये माफिया नहीं है हुँ, हुँ। तो दोस्त मेरे एक दो पांच स्कूल दस स्कूल सही होंगे मगर 98 परसेंट तो ये माफिया है बड़ी तादाद में स्कूल हैं जिनके खिलाफ शिकायत तो आती है जो एक ही पॉलिसी के ऊपर बल्कि अब तो उस्तादों के खिलाफ कुछ शिकायतें आ रही है उस्तादों को देख के रखना पड़ेगा स्कूलों के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ी खतरनाक सूरत है बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा ऐसा भी कुछ उस्तादों के खिलाफ कम्प्लेन्स आ रही है कोई मेरे पास दो तीन कम्प्लेन्स ऐसी हैं स्कूल खुलते ही आई है, है है हैं कि वो वाकई भी अब सर फैमिली को स्कूल भी भेजें नहीं भेजें बच्चों हाँ, को बिल्कुल ऐसा है कि वो अब सेफ नहीं समझे जा रहा है जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो यकीन ये चीज़ वाले के लिए परेशानी का सबब बन गया इमरान मधु साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे कुछ चीज़ों की बात हुई है कि पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए और फिर ये देखें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग पहले ही एक बहुत बड़े चैलेंज से दासमा थे कि ढाई करोड़ के करीब आपके बच्चे का मुबेश कहाँ यह जाता है क्योंकि आबादी का सही तखमीना नहीं है इसलिए मैं कोई भी फिगर देते वक्त कोई बात हतमी नहीं कर सकता यह भी एक बड़ी हैरान कन बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी तक आबादी का सही तयन ही नहीं हो सका कि इसकी सही आबादी कितनी है शहर कराची की मिसाल आपके सामने डेढ़ करोड़ के करीब आबादी इसकी बताई जाती है जो कि तीन करोड़ से कहीं ज्यादा हो चुकी है तो यह एक बड़ी समझने के तकलीफ है और बड़ी हैरानकुन बात भी है अच्छा सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि यह बड़ा मुश्किल है कि ढाई करोड़ बच्चे पहले बाहर थे कोरोना की वजह से इसमें तकरीबन बीस पच्चीस लाख के करीब बताया जाता है ऐसा बॉल पार्क फिगर इसको हम कहते हैं दिया गया कि बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए अब पहले ढाई करोड़ को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था अब उसमें और मजीद ये शामिल कर लीजिए तो ये कैसे मुमकिन होगा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आपके बच्चे अगर स्कूल से बाहर रहेंगे तो फिर तो आपका माशरा ये जो आप जिसको ह्यूमन कैपिटल जो आपकी ताकत समझा जाता है कि जो साठ फीसद नौजवान जो आपकी ताकत मान लिया जाता है अगर तालीम नहीं होगा तो ये तो आपके लिए एक बहुत खतरनाक बम की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे

स्कूल जाने वाले बच्चों की आबादी स्कूल से बाहर, बाहर है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि दस सालों के बाद जब ये जॉब पोर्टल में आना चाहेंगे इनके पास कोई खातिर ख्वा सलाहियतें नहीं होंगी कोई डिग्री नहीं होगी कोई हुनर नहीं होगा

आ, रिकवर कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक हुँ, से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है आ, बावजूद इसके कि हमारी कौम ने बहुत ज़्यादा एहतियातें नहीं की हैं लेकिन हुँ, इससे तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं अब हमें इससे आगे देखने की जरूरत है ठीक है वालदेन का भी बड़ा अहम किरदार है रियासत के साथ साथ के. अगर ये बच्चा नहीं जा रहा है तो वालदे तालीम को सिर्फ इधारों की जिम्मेदारी समझ के उससे बड़ी उस ज़िम्मा हो जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता वालदे की तरबियत में वालदेन का बहुत बड़ा किरदार है तालीम में वालदेन का बहुत बड़ा किरदार है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करूँ एक चीज हम उससे कहते हैं रिसेप्टिविटी मूड कि जिस वक्त बच्चा सबसे ज्यादा चीजें रिसीव कर सकता है सीख सकता है रिसेप्टिविटी मोड में जो नंबर वन पे आता है वो रात सोने से पहले का वक्त है आपने देखा होगा और गाड़ियों में जब बच्चे सफर करते हैं मोटरसाइकिलों पे कार्स पे अपने के साथ सफर करते हैं तो मुख्तलि सवाल पूछते हैं ये बच्चे का रिसेप्टिविटी वक्त होता है जो क्लास शुरू होती है उसके शुरू के पांच मिनट ये रिसेप्टिविटी वक्त होता है साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो रात सोने से पहले का वक्त है वो रिसेप्टिविटी मोड है आपने देखा होगा कि बच्चे नाना नानी दादा दादी के पास जाते हैं या वालदेन के पास जाते हैं और उनसे फरमाइश करते हैं कि हमें कोई कहानी सुना दे हमारे वालदेन बेचारे सादे हैं वो से बच्चों को कोई जानवरों की कहानियां सुना देते हैं और जब कुछ अर्से के बाद बच्चे वो जानवरों वाली हरकतें करते हैं तो वो बड़ा नाराज होते हैं उसके ऊपर अगरचे वही वक्त है कि उनको इस्लाही कहानियाँ सुनाए जाए उन्हें राम के वाकयात सुनाए जाए जो अपनी ज़िंदगी के कामयाब लोग हैं खसु लंबिया सुनाया जाए तो उस बच्चे के अंदर एक अच्छा किरदार आएगा एक सिविक सेंस आएगा वो माशरे का एक मुफ़ीद शहरी बन सकता है तो बहरहाल यह कोरोना तकरीबन अपने अख्ताम पर हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द हम इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाएंगे और इसके बाद हम तालीम के ऊपर भी सिल्क सेंस की आपने बात की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये चीज़ अब सिखाई जाने की ज़रूरत है ना सिर्फ़ वालदे इसके बारे में बताएं बच्चों को क्योंकि ये बात कभी भी नहीं बताई गई स्कूल्स के अंदर भी शायद बहुत कमी कभी इसका तस्करा हुआ होगा पहले तो इसका बाकायदा पढ़ाया जाता था एक सब्जेक्ट हुआ करता था लेकिन अब कोई ऐसी वो नहीं मिलती जिसमें ये बताया जाए कि सड़क पर चलने के भी आदाब होते हैं बाजार में जब जाते हैं उसके भी आदाब, आदाब होते हैं सड़क पर अगर गाड़ी खड़ी करें साइकिल मोटरसाइकिल तो उसके भी आदाब होते हैं तो ये तो नहीं सिखाया जा रहा आपके ख्याल में ये भी अब सिखाने की ज़रूरत है दोबारा से अगर मौरू आप चाहते हैं कि सही सम में जाए बिल्कुल 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 ज़रूरत है ये सिखाने की और जैसे आपने जो पूछा तो देखें बात यह है कि खाने को नहीं है लोगों के पास तो स्कूल कैसे भेजेंगे मगर बात ये पूरी दुनिया में ये होता है कि जो नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट उनको स्कूल बच्चों को पढ़वाती है करती है लेकिन तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक सिस्टम ऐसा लेके आए कि जो बच्चे बाहर हैं नहीं पढ़ पा रहे उनको जो है वो यहाँ पे और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी उनका दाखिला कराया जाए प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन से बैठ के बात कर कि आप दस परसेंट हर स्कूल के अंदर फीस की बात करते हैं फीस दे दो भाई फीस भी दस परसेंट तो फ्री पढ़ाए आप बच्चों को चाहे वो सिटी स्कूल हो या बिगन हो सबके लिए वो एक ही निज़ाम आ जाए तो ये कि वो बाहर वाले बच्चे अंदर आ जाएंगे क्या ख्याल है आपका अच्छा मैं आपको रूल्स बता दूं जी जी आपको बता दूं कि ये रूल एग्जिस्ट करता है करता है कोई स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता अगर वो हल्फिया दस फीसद फ्री पढ़ने वाले बच्चों की तादाद और उनके नाम और उनके वालदेन के शनाख्ती कार्ड अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सबमिट ना कराए तो वो स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता ये रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अगर बात सिर्फ इतनी सी बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया है और इसको चेक इन बैलेंस करें। तो असर उससे ज़्यादा है कि वो जो फीसद बच्चे स्कूल में पैसे देकर पढ़ रहे हैं फीसे ज्यादा करके पढ़ रहे हैं उनके उनका तालीमी मैार क्या है तो और अगर आप प्राइवेट इधारों के दस फीसद बच्चों को चेक एंड बैलेंस करने की बात कर रहे तो हैं बिल्कुल उस, उसका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए वो होता है या नहीं होता है मैं अपनी एसोसिएशन में या अपने और स्कूल के सरब्राहन जो हमारे दोस्त हैं मैं उनमें से मतलब एक रफ तज्जिया आपको दे सकता हूँ कि पचास फीसद से ज्यादा स्कूल अपनी सी एस आर को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और वो इस पर अमल दरामद करते हैं मैं चूंकि इस फील्ड का हिस्सा हूँ इस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा बेहतर राय दे सकता हूँ लेकिन अगर आप दस फीसद उन फ्री के बच्चों के जो मुफ्त में प्राइवेट इदारों में तालीम हासिल करें बहुत अच्छी बात है ऐसा होना चाहिए मुल, मुल्क के प्रिवलेज तबके का लेस प्रवेज तबके के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां हैं और लेस प्रवलेज के हक का हक बनता है कि मुल्क का प्रिवेलेज तबका उसका ख्याल रखे लेकिन जो हमारे पास सरकारी इदारों में लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं जहां पर इस मौजूद नहीं है जब इस एहतजाज करते हैं अपने हकूक के लिए और उनसे किसी छोटे से अंग्रेजी अल्फाज की स्पेलिंग पूछ ली जाती है वो वो नहीं बता पाते नहीं। नहीं। तो आप आप क्या तस्वुर कर सकते हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई माफिया है तो वो निजी स्कूल माफिया है और जो सरकार है हमारी वो बहुत बेहतर गवर्नमेंट भी माफिया है और मैं आपको ये बताऊँ आपने बहुत अच्छी उन्होंने बात की मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इंग्लिश का वर्ड तो छोड़े आप कौमी तराना नहीं पता उस्तादों को बहुत अच्छी बात है कौमी तराना नहीं पता सिंध से के अंदर अंदरून सिंध के अंदर कोई बीस स्कूलों का हमारा जो है सोशल मीडिया गया उन्होंने 20 स्कूलों का दौरा किया हुँ, हुँ, और ये हमारे गवर्नमेंट के स्कूल स्कूल की बात हो रही है और उन 20 स्कूलों में से एक स्कूल के उस्ताद को भी तराना कौमी तराना कौमी नहीं नहीं पता नहीं पता ये वाकई एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है बहरहाल जी सेगमेंट का वक्त जो है वो अख्ताम पजीर होता है और गुफ्तू हमारी हुई एजुकेशन के हवाले से बड़ी अच्छी गुफतगू की सईद इमरान वदूद साहब यहाँ पे तशीफ फरमाते हैं खुलकर उन्होंने बात की एजुकेशन के हवाले से इन फिर आपको जहमत देंगे इन बहुत सारे से जुड़े और मामला है जिसके ऊपर हमने गुफगु करनी है रफत सलीम कुरशी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में हमसे गुफगू की और एजुकेशन के हवाले से आपने जिन चीज़ों की निशानदही की है वो वो यकीन इस वक्त जो है वो इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता तो सोचने है सोचने नहीं अमल करवाना अमल और करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, है।, है। बहुत बिल्कुल ठीक है आपने कहा तो एक हमें ब्रेक लेनी होगी ब्रेक के बाद हमारा गेस्ट का जो जनल है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होगा फिर हमारी गुतगु का सिलसिला जारी रहेगा आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आंदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी हमारी कुछ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कैसे इसमें बेहतरी लाई जाए और कैसे जो निज़ाम तलीम है उसको बेहतर बनाया जाए पिछले कई प्रोग्राम से इसी हवाले से गुतगु रही है कुछ सियासी मामलों के ऊपर गुफगू करनी है इस वक्त जो जारी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है और ये जो आए दिन गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं इसके नुकसान कुछ नज़र आना शुरू हो गए हैं Uh, कुछ अनसर्टैनिटी जिसको हम कहते हैं बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो नज़र आती है और उसका अंदाज़ा इससे होता है ये बात इसलिए यहाँ पर कहनी पड़ रही है क्योंकि हम एक अपना एक पैमाना एक हमने बनाया हुआ है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हुकूमती वजरा जो है वो मिसालें देते नज़र आते हैं कि हुकूमत की जो बेहतर पॉलिसियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट में भी आपको बेहतरी नज़र आ रही है ये सब कुछ है तो अगर स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी को पैमाना बना लिया जाए तो गुजशत रोज़ जो हमने देखा जो कुछ हुआ उसके असरा हमें नज़र आना शुरू हो गए दूसरी तरफ ये कि महंगाई का इस वक्त जो ना थमने वाला सिलसिला है जो तेज़ी से जिस तरह इजाफा हो रहा है और शुरुदनों कीमतों में हैरान कन बात यह कि इस वक्त होना तो ये चाहिए था हुकूमत की तरजीहत में ये चीज़ शामिल होती कि वो इन मामलों को हल करती क्योंकि इस वक्त बाजार के अंदर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो एक एक आम आदमी के लिए एक आम सारिफ़ के लिए उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं तो ये एक बड़ा आम मसला है लेकिन ये अभी तक हुकूमत की तरजियात में शायद शामिल नहीं है उनका मसला ये है कि इस वक्त जो जो करप्शन जो जैसे दावा किया जाता है कि माजी में रही है उसके हवाले से कार्रवाई इस वक्त ज़रूरी है तो ये ख़ुद ब खुद बाखुद जो चीज़ें जिनकी कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं ख़ुद ब खुद बाखुद अपनी असल जगह पर वापस आ जाएँगे बहन तमाम मामलों पर गुफगू जरूर करेंगे बड़े खास मेहमान स्टूडियोज़ में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आपका तल्ल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है सिंध के जो हैं वो जनरल सेक्रटरी हैं और उनसे हम ऑन एंड ऑफ जो है वो गुफ्तू रखते हैं इन तमाम मामला पर और खासतौर पर जो कल की सूरत सारी रही है जिसमें शहबाज़ शरीफ साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है उसके हवाले से खासतौर पर उनसे गुतुगु करेंगे फ़ाज़ शफीक साहब हमारे मेहमान ने खुश आंग बहुत शुक्रिया फ़ाज़ शफीक साहब प्रोग्राम okay. में वक्त देने के लिए फाद य फरमाइएगा जो कुछ आ, मैंने अभी तक कहा है सकता है इसके ऊपर जो है लोगों की अपनी राय हो लेकिन आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था कि महंगाई को कम किया जाता है इस तरह जो जिन मामलों की निशानदेही की गई है इसके हवाले से कोई काम करते और फिर हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं अगर ये सारे काम नहीं होते या अपोजीशन के ऊपर भी ये बड़ी तनकीद की जाती है कि इन सारे मामलों को क्यों टेकअप नहीं करती तो आवाम ये चाहती है इस वक्त कि जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इकदाम किए जाएँ क्या इन तमाम चीज़ों से कुछ हासिल हो सकता है आपके ख्याल में वाक़ता इससे मसला हल हो जाएगा आप अपनी राय दीजिए आप क्या समझते हैं देखिए यहाँ सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपने मुझे जनरल सेक्रेटरी कहा लेकिन जी जी वाइस 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 प्रेसिडेंट 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 माजरा जीडेंडेंटर का बड़ा जी, वो होता है हा, हा, बिल्कुल तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो हमारे मिफ्ता मिफ्ता इस्माइल इस्माइल साहब साहब बिल्कुल ठीक है सिंध के तो ये अच्छा दूसरी चीज़ ये कि देखिए कल जो गिरफ्तारी हुई शबाज शरीफ साहब की वो तो ऑलरेडी सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं पूरी अपोजिशन जानती है कि एपीसी के बाद जो है वो क्या चीज़ें आनी थी सामने उसके रेपोटेशन सामने आना शुरू है शुर शबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी सरासर नाजायज गिरफ्तारी है दूसरी चीज़ ये कि आप सिर्फ स्ट्रेट अवे अपोजिशन के जितने भी अरकिन हैं लाइक कोई भी पार्टी से ताल्लुक उनके ऊपर एहतसाब कड़क रखे हुए हैं ठीक है हम कहते हैं आप एहतसाब करें हमारा कोई एतराज़ नहीं है आप एहत करें लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करें ठीक है सही है आप सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं करें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से निकले हुँ, हुँ. और थोड़ा सा अवाम को रिलीफ दें यार आप मुझे एक बात बताएं ना दो साल हो गए इन्होंने आवाम के लिए क्या किया चौदह इनके एम एन एज कराची से जीते हुए हैं आज कराची का क्या हाल है, है। ये वही एम एन एज है जो आज तक इलाकों में नजर नहीं आए लिटरली मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि आज भी सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये वीडियोस वायरल होती हैं कि कोई एम एन अपने एरिया में चले आए ना तो उसको उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं एक जो साहब थे बलदिया टाउन से फैसल वाडा साहब उन वो तो बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल्स के साथ जाते हैं इलाके में क्योंकि उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं इलेक्शन में वो कचरे में बैठ के कैंपेन करते हुँ। थे हुँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आवाम अच्छी तरीके से जान चुके पॉलिटिकल गेमिक्स हैं सारे एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं जितने भी कराची से जीते हुए नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट गैर सियासी हैं जो कोई सोरे थे किसी को पता ही नहीं था किसी ने कैंपेन ही नहीं की मतलब एक या तो सोशल वर्कर होता या कोई पॉलिटिकल वर्कर होता जिसको हावना होती कि भाई इश्यूज क्या हैं बेसिक इश्यूज क्या हैं आपने पैसों के बस टिकट्स दिए जिनसे तीन तीन करोड़ रुपए लेने थे उनको आपने टिकट दे दिया कि यार पैसे छोड़ो टिकट ले लो और वो जीत गए क्या सिनेरियो बना अच्छा दूसरी चीज़ ये कि शबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी क्योंकि कल उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज उनको पेश किया जाएगा रिमांड के लिए और मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है लाहौर को घर को जी, जिस जी, तरीके से सुबह कंटेनर्स लग गए पुलिस तैनात कर दी हजारों की तादाद में जो आम शहरी हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना है क्योंकि उनको पता है कि वो एक पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की सरबरा हैं मियाँ शबाज शरीफ दूसरी चीज ये कि देखिए हमारा कहना यह है कि आपके जितने भी लोग हैं हम एहतसाब से मना नहीं करते आप बोर्ड आपसाब करें सबसे पहले मुस्लिम लीग नून हाजिर होगी ठीक है अपना एहतसाब कराने के लिए आप अपने अंदर जो आपने डाकू बिठाए हुए जो आप जमजम से नहा के वापस आ गए हैं तो वो क्लियर हो गए साफ शाफ हो गए ठीक है दूसरी चीज ये कि हर किसी का होना हुँ चाहिए हुँ कोई छोटा कोई बड़ा कोई किसी भी इदारे का हो कोई किसी भी इदारे का हो एहतसाब होना चाहिए मैं इतनी सारी बातें इसलिए यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ माजी में एहसन इकबाल अरेस्ट हुए साद रफ़ी का अरेस्ट हुए सलमान रफी राना सनाउल अरेस्ट हुए मरियम नवाज अरेस्ट हुई हमजा शहबाज आज अरेस्ट है खाका नब्बा अरेस्ट हुए मिफता इसमाइल अरेस्ट हुए किसी एक पे भी केस आज तक बिल्कुल क्वेश्चन की गाड़ी से आपने दो किलो हीरोइन निकाल दी जो बैठ के कहते थे कि अल्लाह को जान देनी है आज वो कहा है हाँ, वो खुद रिजाइन कर और क्या कोर्ट ने उसका फैसला दिया है कि केस ही खत्म कर दिया बिल्कुल ठीक है अदम सबूत के बिना पर केस खत्म कर दिया अच्छा एक चीज की जरा निशानदाही कीजिए वो ये कि लोग ये जानना चाहते हैं कि सियासत के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जो टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाई दिस पॉइंट इन टाइम ये सारी चीज़ें एक अपोजिशन ख़ुद भी एंटिसपेट कर रही थी आसिफ अली सरदारी साहब भी इंडिकेट कर रहे थे कि गिरफ्तारियाँ अब होंगी शबाज शरीफ साहब भी एंटिसपेट कर रहे थे और साथ ही जो मियाँ नवाज शरीफ वाला जो मामला सारा इस वक्त है उस पर भी ये एंटिसपेट किया जा रहा था कि गिरफ्तारियाँ तो होनी है तो क्या ये सब देखते हुए हालात का जायज़ा लेते हुए ये सारी मूव्स बनाई जा रही हैं क्योंकि सियासत में हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी वजह से होती है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद से तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई हैं क्यों क्या आपके ख्याल में इस वक्त कन्फ्रंटेशन का वक्त आ गया है कि उनसे बाकायदा कन्फ्रंट किया जाए इस मामले के ऊपर हुकूमत के साथ बस देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना कि हमारे जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उन्होंने एक तो वापस एंट्री की पॉलिटिक्स में जो भी थोड़े दिन वो खामोश रहे तबीयत खराबी की वजह से अभी भी स्टिल उनकी तबीयत ऐसी है एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी और दूसरा ए पी सी जो थी ना इस दफा जो ए पी सी का इजलास हुआ वो आज तक इस तरीके का इजलास नहीं हुआ जो सुबह से लेकर रात तक चले ठीक है आपके सामने दस बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंडिंग जो हुई है तो ए पी सी से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खतरा हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने तो कोई वोट नहीं है कौमी असम्बली में ये सब जानते हैं मांगी तांगी जो भी गवर्नमेंट है उनके पास दूसरी पार्टियों के वो भी आए दिन धमकियां दे रहे होते हैं लाइक एम काफ एम वो मैंगल वाले ये सब धमकियां दे रहे होते हैं ना मिनिस्ट्रियां लेने के चक्कर में तो ये सबसे बड़ी वजह थी दूसरी चीज कि लोकल बॉडी इलेक्शन का टाइम है अनकरीब उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो ये इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं उसकी वजह से शबाज शरीफ को ज्यादा इन्होंने अरेस्ट किया है क्योंकि और डिले भी किया उस इलेक्शन को गिलगित बल्तिस्तान आप जानते yes. हैं कि एक जमाने से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है हुँ. और हमेशा से अभी भी हफीज़ और रमान जो हमारे सीएम थे जी. वहां से गिलगित बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून के थे हुँ. और आज भी अगर आप जाए ना वहां का सिनेरियो देखें ग्राउंड रियलिटी देखें हुँ. तो आपको मैं शादर और नादर कहता हूँ कि किसी और पार्टी का बंदा मिलेगा मुस्लिम लीग नून वहां पे बहुत स्ट्रॉग है वो स्ट्रॉन्ग किस वजह से है इस वजह से नहीं कि है।, है कि हमारी शक्लें लोगों को पसंद है वो इस वजह से है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान को डिलीवर किया जब जब पाकिस्तान में वफाकी गवर्नमेंट्स आई हैं वो डिलीवर किया है मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको इतने सारे लोग गिनवाए मुझे आप बताएं किसी के ऊपर कोई केस साबित हुआ आपके जहांगीर तरीन चीनी चुरा के लंदन में बैठे हुए सही है वो एफ आई ए बुलाती है उनको उन्होंने एफ आई ए से माजरत कर ली उनके बेटे को बुलाती है उन्होंने एफ आई ए से माजरत कर ली मैं सारी बातें छोड़ देता हूँ नैप की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है नैप के जो चेयरमैन है उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी शायद बहुत सारे लोगों ने देखी है एक खातून के साथ उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है दूसरी चीज कि आपकी कोर्ट कोर्ट ने ये मतलब बयान दिया था कि नैप जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है ऐसे ही बयान है चलिए मैं तो नहीं कह रहा ये तो कोर्ट बयान दे रही है।, है, है।, सही है।, है।, है तो कल का जो फैसला था और नैब ने जो अरेस्ट किया बाकी बहुत सारी चीजें थी अब आप एक चीज देखें कि जो आपकी पार्टी में आ जाए उसके ऊपर से नैब केसेस बंद हो जाते हैं आपने पॉलिटिसाइज कर दिया हुँ। ना नैब को ठीक है फिर आशी कवान आपकी पार्टी में जब ज्वाइन हुई तो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो ठीक है अच्छा ये एक बात अभी जिसका अभी आपने तस्करा किया इसको भी शामिल कर लेते हैं पॉइंट को भी ये कि आपने कहा कि हुकूमत को शायद ख़तरा लाक हो गया लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने कहा था इब्तिया में भी इस चीज़ का तस्करा किया था कि जब तक अवामी मसाइल को अवामी इशूज़ को टेकअप नहीं किया जाता तब तक हुकूमत को शायद इन तमाम चीज़ों से ख़तरा ना हो ए पी सी का एक तो अभी तक वाज एजेंडा समझ में नहीं आया और फिर ये कि एक बड़ी गोमगोसी कैफियत थी कुछ उसमें लोग नाराज़ भी थे मौलाना फजलरहमान साहब खास के पे नाला थे क्योंकि वो एक बड़ा बोल्ड स्टेप चाहते थे कि अपोजिशन की जानब से लिया जाए जो यकीन इतना आसान का नहीं है क्योंकि ज़्यादा अलग अलग आइडियालॉजीज़ होती हैं पोलिटिकल पार्टीज़ की फिर एक प्लेटफॉर्म पर आना और कंसेंसिस उसमें डेवलप करना बहुत मुश्किल काम होता है एनी हाउ लेकिन एजेंडा अगर ये होता कि हुकूमत को हटाना है वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस मोशन फ़ाइल करनी है कोई इस तरह से कोई बड़ा स्टेप उठाना है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई तो कैसे गवर्नमेंट को ख़तरा हो सकता है दूसरी तरफ जैसे आपने बात की है नैप के हवाले से बारहा ये सवाल होता रहा कि नैब के हवाले से तो कानून साजी का एक बड़ा सुनहरा मौका था आपके पास हुकूमत में जो आपने झाया कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कन्फेस् किया कि हमसे ग़लती हुई है और अगर हम उसके ख़िलाफ़ कोई कानून साजी कर लेते तो यकीन आज ये सारी सूरत हाल ना होती तो माजी की गलतियाँ हैं जो सामने आ रही हैं दूसरी तरफ ये ज़रा बताइएगा कि ए पी सी से कैसे ख़तरा हो सकता है कि क्या इसमें एजेंडा ऐसा है जिसके आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है डेवलप हो सकता है बस देखें बहुत सारे नुकात थे ए पी सी में एक तो मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि अभी तक पहले भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती रही yes. लेकिन इस तरीके से नहीं हुई ठीक है ऐसा जॉइंट वेंचर नहीं हुआ इसमें नवाज शरीफ ने लंदन से प्रॉपर खिताब किया उसके बाद सेकंड आपका जरदारी साहब और सारे पार्टी के लीडरान नीचे के सारे जितने भी जिम्मेदार है वो मौजूद सब ने बैठ के एक वन पेज पे आए दूसरी चीज ये कि देखें उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई yes. तो ये तो नहीं है कि फौरी कर सकें इसके ऊपर बात हुई इस्तीफों की कौमी असम्बली से yes. और असम्बली से तो उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने उस बात को सेकंड किया कि yes. हाँ मैं इस हक में हूँ ऐसी बात थी तो जब वो फाइनल हुआ तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो तयन करेगी कि इस्तीफे किस टाइम पे और कब और कैसे देने तरीकाकार उसका वसा तो किया ठीक है उसमें जो दूसरी चीज ये था अपोजिशन का क्योंकि ये मौलाना साहब के पहले भी जो उन्होंने धरने किए थे जी जो जी। मार्च निकाले थे उससे बड़े परेशान हुए थे देखिए गवर्नमेंट है एक गवर्नमेंट है बहुत अच्छा एक वे में काम कर रही है उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि कोई एपीसी बन जाए कोई एहतजाज कर ले बुनियादी हक है हर किसी का आपने एक सौ छब्बीस दिन ड्रामेबाजी लगाई नून लीग की गवर्नमेंट थी हमने एक घंटा क्या एक मिनट को चैनल को किसी को वो नहीं किया दिखाएं कि आप, दिखाए। आप यहाँ पे मरियम नवाज के लाखों करोड़ों लोगों के जलसे हुँ। हमारे हुँ। जो जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं वो देखना चाहते हैं वो आपने टीवी पर बंद कर दिए अब जाके इमरान खान अच्छा एक उनका तर्जुमान आके कहता है कि इमरान खान ने नहीं बंद किया हुआ था आवाज को ठीक है इमरान खान आके कहते हैं कि मैं अगर नहीं खोलता तो वो ये बोलते कि हमारा बुनियादी है इसमें दो देखें तसादम बहुत सारी चीजों में ठीक एक पार्टी मतलब पार्टी है पार्टी तो एक अलग है एक वफाकी पार्टी है आपकी पार्टी गलती से इकतदार में आ गई आपके इमरान नियाजी साहब वजीर आजम बन गए ठीक है गलती से अब आप गलती से अब आप जो है उसको कम से कम सही तो चलाएं मुल्क को तो सही चलाएं

जो बयानी है और मियाँ नवाज शरीफ का जो बयान है हुँ। उसको कैरी करना हर किसी की बस की बात नहीं उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल क्या समझा चाहिए अच्छी बात की है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हर किसी का एहतसाब होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। आसिम सलीम बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए वो आपके मतलब इस वक्त गवर्नमेंट का मतलब वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और तनख ले रहे हैं मतलब हमारी उस खजाने से तनख ले रहे हैं अब वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है फौज से he's थी। थी। retired. थी। तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए नैप को कंडक्ट करना चाहिए और आपके अंदर जितने भी थी। थी। बहुत सारे करप्ट लोग बैठे हुए उनका भी एहतसाब रहे बोले ये आवाम को दिखा रहे हैं आप स्ट्रेट अवे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के पीछे हैं अच्छा, तो दूसरा दौर इनका भी आना आना है ये और ये बात है चले अभी वक्त आना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि देखे दो चीजें इसके अंदर है एक तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड अब या तो आप इसके ऊपर स्टैंड लें होना तो ये चाहिए ना कि इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज या तो स्टैंड लें अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो और जो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं जो एलिगेशन है उसको वो केसेस के जरिए जो है वो खारिज करें मामलात को तो बहाल दो चीजें इसके ऊपर अभी बात करनी है फादर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुप्त जारी रहेगी आप देखते रहें गुड मॉर्निंग आज वेलकम बैक फॉन् सगेनी वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफगू जारी थी फार शफीक साहब यहाँ परशा वाइस प्रेसिडेंट सिंध है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनसे हमारी गुतगू हो रही थी मामल के हवाले से बात कर रहे थे खास तौर पर इस वक्त जो जारी सूरत हाल है और शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है इसके ऊपर वो गुतु कर रहे थे हुकूमत की तरजीहत के हाले से अब तक बात हो चुकी है और ये कि अपोजीशन का क्या है इसके ऊपर जो है वह रद्द अब आने वाले दिनों में सामने आएगा ये ज़रूरी है गिरफ्तारी के बाद अब जो लाहेमल तय किया जाएगा वो अब देखना होगा यकीन इसके ऊपर गुफगू करेंगे खालिद खान साहब हमारे एक और मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो भी हम आ, उनको शामद करेंगे बहुत शुक्रिया आपका आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया ये फरमाइएगा कि अब तक जो आ, होता आया है जैसा भी हमने देखा सवाल ये था कि अपोजिशन की इस वक्त जो ये कन्वरटेशन की तरफ जा रहे हैं तसादुम की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार किया गया इसकी कोई खास वजह आपको समझ आती है देखिए जी हुकूमत जो है उसकी तो अपनी कोताहियाँ नाइली अपनी जगह पर ठीक है और उसकी नाहली है जिसकी बुनियाद पर थोड़ी सी एक कंपेन बनी है लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि शायद अपोजिशन के जो लोग इकट्ठे हुए हैं जी वो उन सब का अपना एक अलहद अलह एजेंडा नजर आता है मतलब एक जो नजर आता है कि उनका अपना अलहद अलदाइन एक एजेंडा है कोई तय कर चुका है कि वजी अजम को हटाना है ठीक है कुछ तय कर चुके हैं कि इस्तीफे देने हैं कुछ तय कर चुके हैं कि नहीं बस चलता रहे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो जा ही रही है ना ठीक है तो इस इसल में मतलब तीन चार मुख्तलि जावियों के साथ

जो क्यादत थे तो वो यहीं मौजूद थे hmm. वो लीडरशिप यहीं मौजूद थी hmm. वो hmm. से बाहर नहीं गई थी hmm. वो यहाँ मौजूद थे फिर उनके नाम थे किरदार थे कोई hmm. हुकूमत उनपे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकती थी hmm. यहाँ तक कि उस वक्त जो पीस पार्टी के लोग थे hmm. जो क्या hmm. उस वक्त hmm. थी उस टाइम उनके ऊपर भी इतना करप्शन की बातें नहीं थी नहीं थी या मुस्लिम लीग के जो जितनी भी पार्टियां थी लेकिन आज जो हुकूमत को फेवर मिल रहा है वो हुकूमत के खिलाफ जो लोग हैं जो क्यादत है जो, जो इश्यूज़ आ रहे हैं मतलब जो आ रहे हैं सब उसको घड़ी आप जिक्र नहीं करे उसकी बुनियाद पर हुकूमत को एक तक मिली है और उसके एविडेंस भी, भी है सबूत भी है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवाओं में बात हो रही है उसकी वजह से साबित क्यों नहीं कर सके सवाल यह कि अपोजीशन तो इसका बर्मला इजहार करिए कि ठीक है आप केसिस बनाएं कोई मसला नहीं है दो चीज़ें वो सामने रखते हैं एक तो ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दोडो सबके साथ यकसा आप एहसाब का निज़ाम रखें और दूसरा यह कि कोई चीज़ आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें अगर आप इसी तरह लोगों की गिरफ्तारियाँ करके किसी की गाड़ी में से अगर ड्रग्स निकाल देंगे या कुछ निकाल देंगे तो ये, तो ये तो करेक्टर असासीशन है और अगर ये पाकिस्तान में इस सियासत का रुझान जो है अगर जोर पकड़ गया तो आगे जैसे भी फाशफीक साहब फरमा रहे थे कि फिर तो सूरत हाल बहुत ज्यादा ख़तरनाक होगी क्योंकि आप अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं सारी हुकूमत एक वक्त के लिए तो नहीं आती असल में बात यह कि सत्तर साल पार्टी जो इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ उसके साथ काम कर रही है ना अगर वही मशे देती रहेगी तो इमरान खान का और बुरा सलूक होगा ठीक है तो आपके ख्याल में पुरानी पुरानी टीम काम मतलब नहीं। नहीं, पुरानी टीम नहीं वो नहीं। एक और पार्टी है जो किसी ना किसी अंदाज से ठीक है असरअंदाज हो रही है उसको लाने वाले हैं उसको लाके बैठाया हुआ है तो कहने का मकसद है इमरान खान खुद फैसले करे ठीक है एक सियासी लीडर जब खुद फैसले करेगा तो कहीं ना कहीं जाके वो देखेगा कि कहाँ बिना इंसाफी आ रही है और ये हकीकत है जो बात अपोजिशन कह रही है इससे भी इनकार नहीं कर सकते हुकूमत में शामिल बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मतलब इस मुल्क के अंदर करप्शन को उसी तरीके से रोज दिया जो इल्जाम लगा रहे हैं वो, ठीक है। और वो कितने सही हैं क्या हैं वो तो साबित करेंगे पर पता चलेगा तो बात ये है कि वही लोग अंदर बैठे हुए हैं वही एक जो है कि इसका कलब है जो बन गया है यानी तहरीक इंसाफ तो एक कलब है ना कोई सियासी पार्टी तो नहीं है वो ठीक है उस क्लब में जो लोग बैठे हुए करप्शन के जो शहशाह हैं यकीन ये आवाज उठेगी ये इमरान खान के खिलाफ जा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आपको ठीक है बहुत शवी साहब ये बताइएगा कि ये इनसाइड स्टोरी क्या है अपोजिशन uh, uh, इस वक्त जो है वो डिवाइडेड नज़र आती है और ख़ास तौर पर पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी इस वक्त खासतौर पर जो शीन की आवाज़ आ रही है कि नून से शीन अलग हो जाएगी खैर बहरहल तो सियासी एक वो होता है हमेशा एक पेंथ्रा एक टेक्टिक होता है जो इस्तेमाल किया जाता है दूसरी पार्टी के अंदर कि इनके अंदर कोई मामला ख़राब है हर दौर में होता है लेकिन वाक़ता क्या ऐसा है क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं मरीम साहबा की तरफ से और फिर जो कुछ हुआ है तो हुकूमत तो उसको बड़ा हाईलाइट कर रही है कि ये मामला खुद जो है वो बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं और जैसे भी कुछ देर पहले भी बात हुई क्या स्पीच की तरफ जैसे ये भी कुछ हल्के कह रहे हैं कि शायद वो डिलिब्रेटली ये सब कुछ करवाया गया ताकि कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं और यहाँ पे जो लीडरशिप है इस वक्त वो शायद कन्फ्रंट से बचना चाहती है ये बात दुरुस्त है देखिए मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि जिनकी ये ख्वाहिश है कि मीम मीम से 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 तो वो उनकी ये ख्वाहिश ही रह जाएगी ठीक है अगर नून से शीन निकल जाता है तो कल शबाज शरीफ रस नहीं होते अच्छा सारी बातों की एक बात एक बात है आप अच्छी है। तरीके से समझते हैं।, हैं जो होता रहा है इन दो सालों में मैं तो फिर वही बात बोलूंगा यार कि कोई आप ये बताएं कि ये किस हद पे चले गए हैं एक जनरल बैठ के एमएनए के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारे उसकी गाड़ी से दो किलो हीरोइन निकली है हुँ, हुँ। राना की हीरोना चले, चले गए आप कोई और केस बना देते समझ में आता हीरोइन निकाल दिया आपने उसके बाद कोर्ट आपको कहता रहा कि इसका सबूत दें इसका सबूत दें इसका सबूत दें क्योंकि हीरोइन निकली नहीं थी तो सबूत कहां से देते ठीक उसकी जात को उसकी फैमिली को कितनी आपने चोट पहुंचाई है कोई भी बंदा हो क्या उसका हाल होगा कितनी उसकी बदनामी की है इन्होंने और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको सरखुरू किया केस बंद कर दिया केस बंद हो गया वो कहां गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोलते थे कि मैंने अल्लाह को जान देनी है। तो हमने किसको देनी है ठीक उन्होंने तो अल्लाह को देनी है अब वो ये बात बताएंगे वो कुरान निकाल रहे हैं इस टाइप की चीजें कर रहे हैं ना, ना कि कोई एक कॉमन सेंस तो होता है फिर दो साल आपने रफीक को जेल के अंदर उनका क्या रिजल्ट आया जी। उसके बाद आज हमजा शबाज कोविड में जेल के अंदर है शहबाज शरीफ को आपने दोबारा अरेस्ट कर लिया आप बैक टू बैक अरेस्ट करते रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है हम कहते हैं कि आप एहतसाब करें हमारा बिल्कुल करे तो आएगा सवाल ही पैदा होता है ना फिर तो आपको बैठ कर ये तय करना पड़ेगा तो इनजस्टिस अगर आप समझते हैं ना तो फिर तो इस पर आवाम को अनबोर्ड लेना होगा और फिर तो जो इंटरनल जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करना होगा द पार्टी जितने भी उनको रिसॉल्व करेंगे तमाम लोग अगर एक पेज पर आएंगे तो फिर फाइनल मूव बनाएंगे ना लोग ये चाहते हैं है और जिसको आप समझते हैं कि उसके बाद फिर गवर्नमेंट को घर भेजे उसके हवाले से क्यों नहीं बात करते बनी है वो इसी वजह से बनी है बहुत सारी चीजें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल ठीक है सारी चीजें हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो वन पॉइंट एजेंडा है नवाज शरीफ जो मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है वो फैसला लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के हर एक कारकुन हर एक वर्कर और हर एक जिम्मेदारान हमारे जो लीडरशिप है हायर लीडरशिप सबसे मशवरा हुआ उनके बच्चे उनका क्योंकि एक जो एक ऑपरेशन रह गया है हार्ट का जो एक आर टी ब्लॉक है उसका ऑपरेशन रह गया उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जरूर आएंगे और मियाँ नवाज शरीफ ने पहले भी देखें जिसका माजी खराब हो उससे तो आप ये बात कर सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ यार सजा होने के बाद कोई नहीं आता मैं भी नहीं आऊंगा आप भी नहीं आएंगे सजा होने के बाद अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आए और जेल चले गए वो खुद आ जाते अपनी बेटी को भी लेके आए वो इसी वजह से आए ना अच्छा दूसरी चीज ये कि एक बात मैं और करूंगा कि आप कहते हैं कि हमारा नैप से कोई रापता नहीं रापता है। नहीं है, है, है।, है।, है, है। शबाज शरीफ की गिरफ्तारी से दो दिन पहले शजाद अकबर ने आके ये प्रोडिक्शन कर दी थी कि शबाज शरीफोरेंट अच्छा ये माजी में भी होता रहा ये माजी करीब में होता रहा अब क्या है इसमें शेख रशीद ने आगे प्रोडिक्शन कर दी थी अभी दो दिन हुँ, पहले हुँ, तो ये किस तरीके से आपको कौन बता रहा है ये चीजें या तो आप उसको हर हर इदारे में इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसका बस चलता है देखिए सबसे ज्यादा मैं कल मरीम नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने हमारे लिए कुआं खोदा था लेकिन हम आपकी आवाज उठाएंगे इसमें कोई शक नहीं है इस वक्त इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें नब्बे परसेंट हाथ में मीडिया का है आज मीडिया यार कमाल है इमरान खान के हाथों इसमें भी कोई शक नहीं है मीडिया ने, ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया एग्जैक्टली exactly, 90 दस, परसेंट बहुत जब टीवी खोलो इमरान खान जब टीवी खोलो इमरान खान और हमारी तरफ से कोई फीसद कौन है फिर वो दस फीसद बाकी लोग दस फीसद

सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े टांगे पीटीवी पे हमला किया है वजीर आजम हाउस के गेट पे हमला किया है सब मीडिया ने दिखाया है हमने किसी को स्टॉप नहीं किया वहां से तायर का है वो कज़न कादरी वो सियासी कजन जो इमरान खान आखिरी ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट हमला तो सबसे पहले कराया की बात है वही तो कह रहा मीडिया पे पाबंदी भी हुई है माहौल बना दिया सही है लेकिन क्या है कि कल उन्होंने बात की और हम आपके मीडिया के साथ हैं आज जो उनके साथ ये बुरा हाल है मैं इस चीज को जानता हूँ कि चार चार आठ आठ महीने की तनख्वाही नहीं है मीडिया वालों की उनके भी घर चलते हैं उनकी भी फैमिलीज हैं खर्चे हैं सारी चीजें हैं कोविड में जितना मीडिया ने काम किया किसी ने भी नहीं किया अपने आप को हंड्रेड पेश किया है क्योंकि कोविड ऐसा इशू था और सब एक साथ काम कर रहे थे बहुत सारे मीडिया वाले अफेक्टेड भी थे एपीसी के 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 अंदर ये शामिल करवा देना जरा मीडिया कि कल के जो नवाज ने, कल के साथ नवाज जो साथ हो रहा है जो कुछ कल मरियम नवाज ने ये बात की है और एपीसी में भी मरियम नवाज ने ये बात की थी कि मैं मीडिया के साथ हूँ आज भी हूँ कल भी थी और कल भी रहूंगी और कल भी ये बात की है मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगी तो एक जो वहाँ पे रिपोर्टर थी उन्होंने बहुत

चार चार महीने की तनख्वाही नहीं मिलती हुँ। हुँ। सारी तो पे बहुत और से और नहीं था इतना नहीं था, ये इतना नहीं था। आते ही बुरा हाल कर दिया में एहतजाज किया मीडिया वालों ने आज भी एहतजाज करते हैं शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया है जब बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है ना जब ये चीजें करता है इसका रिएक्शन देता है आज हर एक कम्युनिटी हर एक इधारे वाला इनके खिलाफ अच्छा, साहब से बात करूंगा माजी जी। के अंदर आप अगर उठा के देखे मुस्लिम लीग का दौर हो या पीस पार्टी का दौर हो इस कराची ने बहुत भुगता है इन्हीं के दौर में भुगता है ना साफी इसी उसी दौर में कतल हुए बुकला के ऊपर हमले इसी दौर के अंदर हुए हैं मतलब ये तमाम चीजें इंतहा पे पहुंच गई थी और सियासी पार्टियां बेबस थी सहाफियों के साथ जो सलूक इस कराची के अंदर हुआ है मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई माजी को भी बुला सकते हैं मतलब जो कुछ माजी के अंदर होता रहा है लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर आप ही ने मौका दिया जब आप बेबस हो गए तो फिर और कुवतें आई उन्होंने जो है इसका मामलात करके उस मामलात को सही किया फिर उसका क्रेडिट पीस पार्टी भी ले रही है मुस्लिम लीग भी ले रही है कि जी हमने जो है इसका कर दिया हमने हमन कायम किया हमने किया तो वो सारी चीजें मतलब लोग भूले नहीं है उसके बाद लंदन की फजाओं में पति क्या चीज है कि वहां पे जो भी जाता है वो ये कहता मैं तो आना चाह रहा हूं लेकिन मेरा कारकुन मेरे मेरेदार मेरी पार्टी वो कैरी कभी नहीं आओ तो पार्टी का सदर है? तो वो कारकुनान की आवाज ना उस पे लंदन की फजाओं से ये आवाज आप समझते हैं वहां पर ऐसा कुछ वहां पे पर ही होता है कि वहां से आवाजें आती हैं कि जी नहीं आओ और ऐसा होगा यकीन तो नासाज है ना ये तो मानी अच्छा, पड़ेगी ना ये चीज तबियत नासाज है आप कह रहे हैं कि अब कोविड इसका आपके शहबाज शरीफ के बेटे को है उसको गिरफ्तार किया हुआ है ठीक है ना हजारों मजदूर हजार गरीब आज जेलों के अंदर पड़े हुए जिनको यही मर्ज लाक है कोई आवाज उठाने वाला क्यों नहीं वो, वो ये तो खास बात है खास चीज उसके नहीं बिल्ण? उनका कहना तो ये है ना कि आपके पास आप निज़ाम है ना आप सबको बेहतर करें फैसिलिटेट करें इसमें क्या प्रॉब्लम है लेकिन अगर एक एक कोई इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है आप किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे मकसद उनका ये कि किसी इंडिविजुअल को भी आपने प्रोटेक्ट करना और बाकी जो रेस्ट ऑफ दी आपके पास हुआ है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हाँ ये आप कह सकते हैं कि फला जगह पे जो जो है है इसका जिसकी कोई साल से पड़े हुए बंद कोई केस नहीं है और सारी बीमारियां उनको हैं लेकिन कभी नहीं हुआ लेकिन वो बड़े अहम है यकीन वो जिस जगह पे गए हैं तो पहली बार गए हैं तो उनके लिए दुशवारियां हैं तो ये असल में माजी के वो करतूतें जो आज सामने आ रहे हैं और कुछ कुवतें उसका फायदा उठा रही हैं और जो एहत की बात कर रहे हैं कि एहतिसाब से एहतिया मतलब ये मौकूफ़ अपोजिशन का भी तमाम पार्टियों का यह है कि ये नहीं हो सकता कि आप जो हो क्या रहा है कि मजलूम इन लोगों को बना रही है गवर्नमेंट फायदा इन्हीं को इन हो रहा है लोगों को इन्हीं को फायदा पहुंच रहा है कि वो चंद मिसालें जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने चीनी को आटे को इसको महंगा किया आज दवाइयां जो है कि इसका ढाई सौ फीसद जो है महंगा हो गया वर्ल्ड बैंक उसके ऊपर ढिठाई के साथ जो है अमल किया जा रहा है इन तमाम चीजों को जो गवर्नमेंट कर रही है लेकिन इसका मतलब उसको जो अहम सपोर्ट मिल रही है वो उसकी वजह यह है इनके लिए भी फायदा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के इन करतूतों ने इनको फायदा पहुंचाया है और गवर्नमेंट जो है कि इसका अपने एक एजेंडे को बेकर रही है इसलिए कि उसको इससे नस्बत नहीं कि अम उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे नहीं है।, है जी उसको कोई दिलचस्पी नहीं, नहीं है इससे प्रॉब्लम नहीं है आप निकाल लें इसलिए कि उसको मालूम है हम हैं हमें कुत बना दिया गया है हम बैठे हुए हैं यहाँ पे लेकिन अवामी रेल कभी ऐसे लोगों को जो है ना एक वक्त ऐसा आता है कि इस सड़क पर आएगी अगर ये जो एजेंडा इन्होंने किया है का एजेंडा है वो अच्छा हो सकता है लेकिन जो अपोजिशन है वो अवाम को सड़कों पे लाने की पोजिशन में नहीं है नहीं है वो ये चीज समझते हैं सारे ये कह सकते हैं कि जो ये लेके चले हैं इसलिए कि इनके हर एक टारगेट है उस टारगेट के ऊपर अमल कर रहे हैं किसी वक्त भी अब सबसे अच्छी बार्गेनिंग जेल के अंदर होती है ऐसा जाता है समझे सबसे अच्छी बार्गेनिंग जो है ना बाहर है कि दिल का मर्ज ये मर्ज सारी फैसिलिटीज होंगी घर से खाना आएगा घर से दवाइयाँ आएंगी सारी मामला होंगे और अच्छे बारगेनिंग कोई देख ले कोई कर ले भाई क्या करना है किसी को सारी तो बारगे लोग आराम से बैठ के ठीक है जी फा शफफ़ी साहब फरमाइएगा कि ये जो कुछ अभी तक होता आया है माजी में भी कोई सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी महंगाई का भी यही हाल था जाहिर है इजाफा तो हो रहा था ये अलग बात है कि हर दौर में उसमें कोई सिलसिला रुका नहीं है ये एक अपने हाई पर है उस वक्त अपने हाई के ऊपर मौजूद हुआ करता था आवाम के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं बुनियादी जो सहूलियात हैं उसको डिलीवर करने में कोई भी नाकाम हुआ लाइक कोई भी हुकूमत देख लें विफाकी सतह के ऊपर पिछली ने ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है इस चीज़ को लोग आज समझते भी हैं लेकिन फिर जो कुछ होता रहा जिस तरह मामला को चलाया जाता रहा ये सारे आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसी का जो है वो फॉल बैक है जो अभी हमें नज़र आ रहा है किस इसको डिफेंड करेंगे सवाल आज भी वही है कि जब अवामी शूज़ को टेकअप नहीं करेगी अपोजिशन और अपने केसेस के हवाले से बात करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस जब भी बात करते हैं अपने केसेस के हवाले से बात करते हैं कि जी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं और जैसा भी इन्होंने कहा कि जनाब हमें कोविड की सूरत हाल है और वहाँ पर जो पीने का पानी नहीं है एयर कंडीशन नहीं है तो आवाम तो फिर बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे कि उनके मसाइल के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही देखिए मैं आपको एक बात बोलूं कि इसमें मुझे कोई कबाहत नहीं है ठीक हंड्रेड परसेंट को नॉट हंड्रेड परसेंट हमसे भी गलतियां हम लेकिन आप अपनी गलतियों काजाला तो कर सकते हैं बात की कराची क्योंकि मैं भी बिलोंग करता हूँ पैदाइश मेरी यहीं की हमेशा रहा सारी चीजें की यही से एलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया सब चीजें की तो अगर हम माजी में चले जाए माशा सीनियर आदमी है तो अगर हम देखें तो कराची में आज जो एक सुकून है हुँ, हुँ, हुँ. क्या आप ये नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून उनको क्रेडिट जाना चाहिए समझते हैं लोग पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी की गवर्नमेंट रही काफी टाइम रही हुँ. वो चाहते ये कर लेते उसके अलावा एम क्यू एम नौ साल आठ साल मुशर्रफ के दौर में पूरी काबिज रही हुँ. सिंध के ऊपर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर वो चाहते ये कर लेते मुशरफ साहब तो लिख के भी नहीं देते वो जबान हिलाते हो जाता हुँ, हुँ, ऐसा ही है ना ऐसा ही रेंजर्स के पास वो थे उस वक्त कि कहीं झगड़ा होता था तो वो गाड़ी आगे बढ़ा लेते थे खसूस अख्तियार किसने दिए हमारी गवर्नमेंट आई एक लीडरशिप होती है वजीर अजम होता है मियाँ नवाज शरीफ मुझे याद है कि गवर्नर हाउस आके उन्होंने ये मीटिंग की थी कि क्रॉस द बोर्ड मुझे ऑपरेशन चाहिए और कराची में अमन चाहिए बेकुण। ये बेकुण। चाहते तो पिछले वाले भी कर लेते ही तो ये तो ये आप किसी सूरत नहीं बोल सकते कि नून लीग को क्रेडिट नहीं जाएगा सबसे बड़ी जो बेसिक है लॉ एंड ऑर्डर जब तक किसी शहर का सही नहीं होगा सारी चीजें उससे इंटरलिंक कर चाहे वो कारोबार हो स्कूलिंग कॉलेज जो भी मतलब सब, कुछ सब, भी हो सब कुछ है वो जब तक मियां नवाज शरीफ के दौर में वो वजीर आजम थे हमें इस पे फख्र है कि कराची में ऑपरेशन हुआ अक्रॉस द बोर्ड हुआ और जो दहशत गर्द थे जो किलर टारगेट किलर्स थे सारे बेनकाब हुए और बिल्कुल सुकून हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुनने को नहीं मिलता कि हड़ताल होती है ठीक है कोई भत्ता अच्छा अब वही सिचुएशन इन दिनों ये पिछले आप छः महीने का टेन्योर देखें तो वापस बैक होती जाएगी टारगेट किलिंग स्नैचिंग मोबाइल छिन गया दुकान लुट गए ये हो गया वो ये चीजें वापस आ रही है एक माशरे में रहते हैं हम डेली बेसिस पे अखबार भी पढ़ते हैं सारी चीजें करते हैं ये वापस आती जा रही है ये वही रेंजर्स है जिसको खसूस एक... अच्छा अब दूसरी चीज ये कि वजीर दाखिला से तो चार चार दिन यहाँ पे पड़ा रहता था सीएम के के साइन लिए जी। आपको याद होगा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है सीएम का साइन होगा तो भाई खसूसी अख्तियार नब्बे दिन के रेंजर्स को दिए जाएंगे रेंजर्स वाले हो आज कराची की अवाम हो चाहे वो कोई भी किसी भी जबान से ताल्लुक रखती हो वो ये बात बोलते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने किया कराची के लिए अच्छा दूसरी बात ये शरीफ मोटरवे आज जो मोटरवे सफर करता है वो नवाज शरीफ को दुआ देता है स्ट्रेट जो मुस्लिम लीग नून के भरपूर है, वो कल रात को मुझे बैठ के बोला था कि यार नवाज शरीफ ने उसके अलावा बेपनाह काम किए नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं मिलती और

तो मियाँ नवाज शरीफ का मेरे भाई माजी बहुत क्लियर है ठीक है मियाँ नवाज शरीफ को सजा होने के बाद भी वो पाकिस्तान आए और और अभी और भी, भी आने आने और के लिए बंद करेंगे लोग ठीक है लास्ट वर्ड जी खालिद साहब फरमाइए आखिर में क्या कहना चाहेंगे असल में मैं तो यही कहूंगा कि बाहर बैठ के तहरी तौर से आप गुफ्तू करते हो ये कहते हैं कि हम भागने वाले नहीं है ठीक है ना मतलब बताइए कि बाहर बैठे हुए हैं आप और बोले अल्लाह तला बाकी के तो जितने भी लोग हैं सारे केसेस का सामना है ना वो रहे हैं बात ये कि अगर अपोजिशन के नुकात ठीक हैं लेकिन एक चीज पे तो समझौता कर लें कि जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर भी ये कर लें कि जी आप करें करप्शन के खिलाफ तो कह रहे हैं कह रहे हैं कर, रहे तो दो बोर्ट दो बोर्ट कर, कर लें अच्छा और उसके बाद गवर्नमेंट को मतलब जो कुवते हैं ना उनको भी मतलब ये इसके अंदर पार्टी नहीं बनना चाहिए और जितने सुप्रीम कोर्ट है जो भी इधारे हैं कम से कम जितने करप्ट लोग हैं उनके लिए जो कार्रवाई होती है उसके लिए क्रॉस बोर्डर बिल्कुल ठीक है, है। उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए और ये कि जो कुछ चीज़ अगर है कोई चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है अदालत के अंदर उसको साबित करना भी ज़रूरी है फाज शफफी साहब वाइस प्रेजिडेंट सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें वक्त दिया खालिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका आपने हमने प्रोग्राम में वक्त दिया हमसे गुतगू की मौलवा जी इस वक्त जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है अपोजीशन का भी एक नजरिया है बिल्कुल इस वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है सबके लिए ये परेशान कुन है अपोजिशन के लिए ज़्यादा इस वक्त हो चुकी है क्योंकि जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं केसेस बनाए जा रहे हैं इनका ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक है अगर आप गिरफ्तारियाँ करते हैं या करप्शन के खिलाफ जो आपका एक मौकाफ़ है अगर आप उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही जितने भी इदारे आते हैं जो भी शख्सियात हैं उन सबका फिर एहतसाब हो तो फिर ये शायद जो है वो मतमिन हो सकते हैं और साथ साथ ये किी मसाइल अपनी जगह अभी भी, भी मौजूद हैं और आवाम ये चाहते हैं कि आवामी मसाइल के हवाले से कोई ना कोई जरूर ए पी सी हो इसके ऊपर शोर हो आ, बात की जाए हुकूमत को पाबंद किया जाए जितना प्रेशर इस वक्त डेवलप किया जा रहा है वो आवामी मसाइल के लिए किया जाए तो यकीन अवाम का ज़रूर साफ देंगे बहरहाल ये सियासी मामला हैं इसके ऊपर गुफगू हो, होती रहेगी आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर कोशिश करेंगे तमाम मामलों पर गुतगू करें प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर खत्म होता है कल कोशिश करेंगे इन श्रेन तमाम मामलों पर गुतु करें और आपके जो सवालत हैं खास तौर पर जो सेहत के हवाले से आपके जो पैगाम मशूल होते हैं इसके पर इशाला आने वाले प्रोग्राम में जरूर गतूर करेंगे प्रोग्राम देखने के बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाजत हालांकि बाद